काम कहिए दो चार लड़कियां नहीं है, एक लड़की है। तुम ये बात बताओ, तुम हमारे साले शिषपाल का नाम सुनते ही घबरा क्यों गए? घबरा नहीं गए, क्यों? वो तेरा साला है, और जब ये समाज के लोग सुनेंगे कि रुकमणि अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ किया, तो समाज के सामने हम खड़े लायक नहीं रहेंगे। लला रुकम, तुम ये बताओ पिताजी, कहिए जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी, उसने जब अपनी बहन हमारे लिए कर दी, तो अपनी हम अपनी बहन उसके लिए क्यों नहीं कर सकते? रिश्तेदार तो बराबर का है। गलत है लला, गलत है। तुम्हारा तुम्हारे दिमाग में सही ना हो, इसका मतलब ये है हम करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। और पिताजी कहिए, सुनो बता पिताजी, और मेरे सामने और बाबू कहिए, अगर तुमने अपने मौसम से तुम्हारा कन्हैया जी विवाह की बात करी तो रुका जाइए, समझ में होश में उठाए के नीचे। अब इतने बूढ़े ना है भैया, भाई तुम समझ रहे हो, इतने बूढ़े बूढ़े हो गए, हमारा नौ खून है, पांच पांच किलो पी लेते एकदम, तो कोई दिक्कत ना है। पांच किलो पी ले तो हम तो आज लड़का आए, तो ढाई किलो की ताकत है भैया, ऐसी बात ना है। गुर्रा मत, रकम ने जवाब दिया, पिताजी बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई। क्या कह रहे हो पिताजी? कहिए, तुम्हारी बुद्धि कटी गई है मालूम पड़ता है? बुद्धि नहीं कटी है। हाँ, एक विद्वान ये कह रहा है, बड़ा लड़का बाप के बराबर जब हो जाए तो उसे लड़का नहीं भाई समझ जाइए, भाई। अब करेगा हमारे बड़े लला हो, मारने में शर्म लग रही है। अगर कोई गैर होता ना तो क्या करते? तो तुम्हारे शरीर में फड़वा करके नमक भरवा देता हमारे में। और सुनो पिताजी, अगर तो हमारे पाप ना होते, अगर तो हमारे पाप ना होते तो मलैया में जाके आग लगवा देते। शादी हम चाहेंगे वहां होगी, समझ में आई? महाराज भीष्म की मेरे भाइयों कोई बात नहीं बनी, कोई चाल नहीं चली। महाराज भीष्म लाचार भय, रकम कहने लगा तुम तो कल मर जाओगे, हमें देखना है, हमें बुलाना है, रिश्तेदारी हमें चला रही है। पिताजी तुम तो आज ना कल मर जाइयो, कहानी खत्म तुम्हारी। रकम कहने लगा मैं करूंगा वो होगा। उसी समय ब्राह्मण को बुलवाया और बोला, देख लिया पर शिशुपाल का नाम बताया तो पिताजी की छाती फट गई। अरे साला है तो क्या, बड़ा दिल वाला भैया। पंडित जी एक खत लिखे, अब वो खत कर चंदेरी में चले जा दिया, तो उसी समय रुकम ने अपने साले शिशुपाल के लिए मेरे भैया खत लिखा।
मेरे भैया लिख दिया हमारी लगन है तुम्हारी तरफ, पिताजी की लगन है तारकाधीश कन्हैया की तरफ। होशियारी से आना, अकेले मत जाना, सेना को लेकर के आना। नीचे लिख दिया रुकम पत्र जो था मेरे भाइयों पंडित जी को दे दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण चले चंदेरी में पहुंचे, और जब चंदेरी में पहुंचे मेरे भाइयों ब्राह्मण ने सुसपाल को ही पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, हमें सुसपाल के यहां जाना है। तो सुसपाल कहने लगा पंडित जी आओ ऊपर आओ, कहां से आए हैं आप। जवाब दिया कुंदनपुर से।